वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ सादिक अख्तर। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन में फ्लाई को और कॉकरोचेस जैसे एनिमेशन को हम ला सकते हैं। हमने कई बार अपने फ्रेंड्स को देखा है कि वो अपने डेस्कटॉप में फ्लाई को, जैसे हाउस फ्लाई होते हैं, वो ला के दिखाते हैं। वो बोलते हैं क्या तुम ऐसा कर सकते हो, कॉकरोचेस ला के दिखा देते हैं। तो हम सोचते हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इनका सब एक ऐप के जरिए होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कैसे होता है और देखना चाहते हैं लाइव, तो वेलकम टू द चैनल। ये मेरा चैनल है सादिक अख्तर, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब डायरेक्टली चलते हैं उस ऐप पे, जैसे फ्लाई और कॉकरोचेस मेनली डेस्कटॉप पे कैसे चलाए जाते हैं। देखिए, मेरे पास ये दो ऐप हैं, ये फ्लाई ऑन डेस्कटॉप और ये कॉकरोच ऑन डेस्कटॉप। तो शुरू करते हैं फ्लाई ऑन डेस्कटॉप से। इसको मैंने ओपन करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ से फ्लाई आने लगी। ये आप देख सकते हैं, ये फ्लाई दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये फ्लाई आने लगी। अभी फ्लाई कितना प्योर फुल HD लग रही है, देख रहे हैं, बिल्कुल असली फ्लाई लग रही है। आप इनके नंबर भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी है, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप ये बच्चों को दिखा सकते हैं, देख रहे हैं, ये बिल्कुल वाइट पेज में ऐसा लग रही है कि असली के। आप इनके नंबर भी इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर जाएंगे आइकन में और यहाँ पर जाएंगे सेट ऐड 5 फ्लाई मोर 5 फ्लाई। ये देखिए, आपके 5 फ्लाई और इंक्रीज़ हो गए। फिर आप जा सकते हैं, आप इन्हें और इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे जाना है, फिर जैसे ऐड फ्लाई, फिर ऐड फ्लाई में जाना है, ऐसे करके आप देखिए एक एक करके फ्लाई। ये देख सकते हैं क्या अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये बेसिकली बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। वे सोचेंगे कि अरे वाह, देख रहे हैं आप बिल्कुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं कि कितनी एकदम लग रही है असली की, पूरे HD में लग रही है। तो दोस्तों, ये है सबसे बहुत अच्छा ऐप है। और इसके ऐप का डिस्क्रिप्शन और ऐप के इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। फिर चलते हैं कि इस ऐप को, अब मुझे मक्खियाँ हटानी है, तो अब मुझे क्या करना है। तो सिंपली आपको ये आइकन ट्रे में जाना है और यहाँ पे करना है क्लोज ऑल फ्लाइज, ठीक है। आप ये करना है तो क्लोज हो गया। अब चलते हैं कॉकरोच वाले में। तो ये देखिए, कॉकरोच ऑन डेस्कटॉप का ये मेरे पास ऐप है, मैंने इसे एंटर दबाया। अब ये देखिए कॉकरोचेस, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये भी असली कॉकरोच है। मैं इसे वाइट स्क्रीन में थोड़ा दिखाता हूँ, अच्छा लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ये बच्चों को बेहद पसंद आएगा। आप ये उसे करके दिखा सकते हैं। तो चलिए, पहले आप सीख लीजिए कैसे किया जाता है। तो चलते हैं, इन्हें भी आप ऐसे ही इनके नंबर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और इन्हें यहीं से हटाया जाता है। ये देखिए, यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। अच्छा, मैं ये फ्लाई को भी एग्जिट कर देता हूँ। चलिए, आप चलते हैं कि इन्हें कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल के वेब पेज में जाना है। गूगल का वेब पेज खोलिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है फ्लाई ऑन डेस्कटॉप। तो मैंने फ्लाई ऑन डेस्कटॉप डाउनलोड सिंपली गूगल के ब्राउजर में गया और उसे बस लिखा हूँ, और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, और कुछ नया नहीं किया, बस सिंपली जाके फ्लाई ऑन डेस्कटॉप डाउनलोड लिख दिया है, ठीक है। अब ये देखिए, फ्लाई ऑन डेस्कटॉप डाउनलोड softonic.com, इसी से आप डाउनलोड कीजिएगा, ये बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है। आप इसमें सबसे पहले वाला में क्लिक कीजिएगा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा आपको। ये देखिए फ्लाई ऑन डेस्कटॉप, सिमिलरली जैसा मैंने दिखाया था आपको, ये आप ये इमेज भी देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाया हुआ। आप यहाँ पे इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड कहाँ से करना है मैं बता देता हूँ। ये देखिए, फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज़, आपको यहाँ जाके बस क्लिक कर देना और ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे वाले, softonic.com से आप इजी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे वाले में, कॉकरोच वाले। सिमिलरली आप कॉकरोच ऑन डेस्कटॉप को ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली आपको क्या लिखना है, कॉकरोचेस ऑन डेस्कटॉप डाउनलोड। ये देखिए आ गया। आपको फिर से softonic.com में सर्च करना है। ये देखिए softonic.com में कॉकरोच ऑन डेस्कटॉप डाउनलोड जाना है इसमें। ये देखिए कॉकरोच ऑन डेस्कटॉप डाउनलोड का भी आ गया। ये देखिए, सिमिलरली जैसे मैंने आपको दिखाया था वैसे ही बस आपको फ्री फॉर विंडोज ऐसे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो ये बहुत ईजी आपको ही करना है, बस वहाँ पे जाकर डाउनलोड में बटन क्लिक करना है, वो डाउनलोड होगा। आप अपने बिल्कुल इसे चला सकते हो। बहुत स्मॉल फाइल लाइक कुछ भी होती है, 418 के भी कुछ होते हैं, ये ज़्यादा आपकी, और ऐसा कोई बात भी नहीं है कि कंप्यूटर का सिस्टम आपको हैंग करेगी या कुछ में वायरस होता है, कुछ ऐसा बात नहीं है। मैं इसे कब से यूज़ कर रहा हूँ, बचपन से मेरे रखा हुआ है। तो दोस्तों, आप इसे अपने बच्चों को दिखा सकते हैं और पहले से आपको मालूम होगा, तो एक बार और डाउनलोड करके आप इसका मज़ा उठाइए। ये बचपन की याद ताज़ा करती है।
एक ऐसे टॉपिक पे जो हर यूट्यूबर चाहता है। एक यूट्यूबर चाहता है कि उसके स्क्रीन में एक मोबाइल की स्क्रीन आए, वो उसे डाउनलोड कर, वो उसे डिस्प्ले कर सके, वो अपने मोबाइल में जो भी काम करे वो उसके डेस्कटॉप के स्क्रीन में आए, अब वो उसे डिस्प्ले करे, अपने यूट्यूब में दिखाए, तो उससे इससे वो अच्छा भी लगता है, उसके व्यूज़ भी बढ़ते, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ते। तो ये कैसे किया जाता है मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। मैंने आपको इस बारे में बताया दोस्तों, यहाँ पे आ सकते हैं, आपको इस चैनल में हाँ दोस्तों एक बार फिर शुरू करते हैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको थोड़ी डिले हो गई वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, चले चलते हैं। मैं आपको दिखा रहा था कैसे आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन में ला सकते हो। देखिए मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन को अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन में ला दिए। ये कौन सा ऐप है, कैसे होता है, ये अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। देखिए देखिए दोस्तों मैं अपने फ़ोन को अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन में देख सकता हूँ। ये देखिए अब ये बहुत अच्छा ऐप है, बहुत बढ़िया ऐप है। ये कैसे वर्क करता है, ये आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ये क्या पेड ऐप है या मैं इसे फ्री में चला रहा हूँ, इसकी सब इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट वीडियो में मिलेगी। तो ट्यून रहिएगा मेरे चैनल के साथ, क्योंकि इसी में आपको मिलेगी इस ऐप की जानकारी। ये देख सकते हैं कि मैं अपने फ़ोन को बिल्कुल इसमें चला सकता हूँ। मैं अगर कुछ भी करना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मैं एक गेम भी खेलना चाहता हूँ, ये देखिए मैंने टेम्पल रन गेम खेलना शुरू किया। देखिए मैं फ़ोन में गेम खेल रहा हूँ लेकिन वो डेस्कटॉप में चलेगा। तो ये प्योरली आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप बस अपने स्क्रीन को बस दिखा सकते हैं या कुछ पिक्चर्स दिख सकते हैं, नहीं। या आप अपने गेम खेल रहे हो तो गेम भी आप किसी बड़े स्क्रीन में भी खेल सकते हैं। तो क्या वो बड़ा स्क्रीन पेड है, वो छोटा स्क्रीन पेड है, आप क्या करेंगे? क्या मैं अभी जो चला रहा हूँ वो फ्री वर्जन है या पेड, मुझे इसके लिए पे करना पड़ा, ये सब आपको बिल्कुल पता चलेगा। मैं बताऊँगा आपके अपने चैनल सादिक अख्तर, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूँ, अब इसे गेम खेल के आपको दिखा देता हूँ कि ये सही में जैसे आप मोबाइल में से कंट्रोल कर रहे हैं वैसे ही पीसी के स्क्रीन में भी आपको ये कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों मैं प्योरली बहुत अच्छे से गेम खेल सकता हूँ। अब चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसमें आप अपने कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने वेब ब्राउज़र को खोलते हैं, ये देखिए आपका वेब ब्राउज़र खुलता है, आप कुछ भी चला सकते हैं, अपने बिल्कुल अपने मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए प्योरली आप अपने मोबाइल को अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन में देख सकते हैं। ये देखिए तो ये बहुत अच्छा है उन यूट्यूबर्स के लिए जो चाहते हैं कि अपने वीडियो को कुछ नया बनाएं, कुछ नया दिखाएं। तो दोस्तों ये कौन सा ऐप है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। दोस्तों आज आपने बहुत कुछ सीखा कि कैसे कॉकरोच और फ्लाई को डेस्कटॉप पर लाना है, उन्हें डाउनलोड करने का तरीका, उन्हें यूज़ करने का तरीका, किन के लिए वो है। फिर आपने सीखा कि कैसे अपने मोबाइल को अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन में ला सकते हैं। बेसिकली आपने सीखा नहीं है अभी तक, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ट्यून रखिएगा अगले वीडियो के लिए। ये वीडियो में कुछ टेक्निक प्रॉब्लम आ रही थी तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा पहले ही से। थैंक यू।